हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। यूपी SSC PET का रिजल्ट घोषित तो हो गया है और ऑफिशियल नोटिस आप यहां पर देख सकते हैं। 28 अक्टूबर के डेट में आज अभी अभी यूपी SSS PET का रिजल्ट घोषित तो हो गया है और जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि अगले 1 से 2 दिनों में रिजल्ट जारी हो जाएगा और बिल्कुल वही हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट करके कल के वीडियो में कहा था कि रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला है और 15 नवंबर के बाद रिजल्ट आएगा। कुछ चैनल्स पर यह बताया जा रहा था कि 15 नवंबर के बाद ही पेट का रिजल्ट आएगा, बड़े बड़े चैनल्स ऐसा दावा कर रहे थे, लेकिन कल मैंने आपको जो बताया था बिल्कुल वही न्यूज़ 100% सही हुई है। देख सकते हैं नोटिस आपके सामने है। 24 अगस्त को PET का एग्ज़ाम हुआ था और आज 28 अक्टूबर को इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और आज से लेकर 1 साल तक आपका PET का रिजल्ट वैलिड रहेगा। तो वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक आपका स्कोर कार्ड मान्य रहेगा। देख सकते हैं वेबसाइट पर लिंक आ गई है और व्यू रिजल्ट वाले सेक्शन में ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। क्लिक हियर टू व्यू प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी 2021 रिजल्ट स्कोर कार्ड परसेंटाइल में आपका रिजल्ट यहां पर शो होगा। 95 परसेंटाइल, 96, 98 जो भी आपका होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ की सहायता से आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा। फिलहाल वेबसाइट ठप पड़ गई है और वेबसाइट बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी किस तरह से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं और डायरेक्ट मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे वेबसाइट ठीक होती है आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए अभी के अभी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है। तो देखते हैं हम लोग नोटिस में आगे और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। देख सकते हैं दोस्तों, किसमें बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों के OMR में कुछ गड़बड़ियां थी, जैसे कि प्रश्न पुस्तिका के सीरीज अंकित नहीं किया गया था या 1 से अधिक सीरीज अंकित किया गया था, ऐसे छात्रों का रिजल्ट रोक दिया गया है। स्कोर कार्ड पर निरस्त या कैंसिल लिख कर आएगा तो इन छात्रों का रिजल्ट घोषित नहीं होगा। साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों को केंद्र अधीक्षक द्वारा औपबंधिक प्रवेश दिया गया था, उनके परीक्षा परिणाम या स्कोर पर जो स्टेटस है वहां पर लिखा होगा प्रोविजनल। और भी यहां पर कुछ जानकारी दी गई है, जैसे कि कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग स्तर पर जांच के अधीन है, अतः ऐसे अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड पर लिखा गया है अंडर इन्वेस्टिगेशन, यानी जांच के अधीन है ये और जांच के बाद इनके स्कोर कार्ड पर निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए गए थे, उनकी श्रेणी तदनुसार अनफेयर मीन्स यानी कि अनुचित साधन लिखकर उनका अभ्यर्थन सीधे सीधे निरस्त कर दिया गया है और इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो आप लोग जाकर रिजल्ट चेक करिए, UPSSC.gov.in की होम पेज पर जाएंगे तो रिजल्ट वाले सेक्शन में वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपना रिजल्ट देख नहीं पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया आपको वहां पर सारी जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।